उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच करीब डेढ़ घंटे तक बैठक चली। योगी कल सुबह शुक्रवार को 11 बजे पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इन परीक्षाओं को 12 अप्रैल 2021 को पोस्टपोन किया गया था, जिन्हें अब कैंसिल कर दिया गया है। टीएमसी की सांसद और टॉलीवुड की अभिनेत्री नुसरत जहां ने दावा किया है कि व्यवसायी निखिल जैन के साथ उनकी शादी कानूनी नहीं थी। इसके बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने नुसरत जहां पर निशाना साधते हुए गुरुवार को उनसे सवाल किया कि क्या उन्होंने संसद में निखिल जैन से अपनी शादी के बारे में झूठ बोला था। लगातार 6 महीने से कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में करनाल अम्बाला के बाद गुरुवार को पानीपत से 5,000 से ज्यादा किसानों ने दिल्ली कूच किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी 11 बजे तक पानीपत टोल पहुंच चुके थे। यहां पर किसानों के काफिले पर फूलों की बारिश हुई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सचिवालय नापान में एक राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की। बैठक में सीएम ममता बनर्जी ने किसानों को कृषक बंधु योजना के तहत प्रत्येक साल 10,000 रुपये देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, यानी कि बंगाल के किसानों को हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे। ओडिशा में 12 जुलाई को निर्धारित वार्षिक रथ यात्रा से एक माह पहले राज्य सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि इस साल भी श्रद्धालुओं को उत्सव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। यह उत्सव कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन के बीच केवल पुरी में आयोजित होगा। देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देश के मुताबिक कोरोना के इलाज के लिए बच्चों को रेमडेसिविर न देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसमें बेहद जरूरी होने पर ही सीटी स्कैन कराने के लिए भी कहा गया है। कांग्रेस की पंजाब इकाई में कलह को दूर करने के मकसद से गठित 3 सदस्यीय समिति ने बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी है। पार्टी के सूत्रों की माने तो अब कांग्रेस आलाकमान जल्द ही कोई फॉर्मूला तय करेगा ताकि पंजाब में कलह को खत्म किया जा सके। कांग्रेस की युवा ब्रिगेड धीरे धीरे बिखरने लगी है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और सचिन पायलट के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। सचिन पायलट ने अपने घर पर 8 विधायकों के साथ बैठक की। हालांकि ये बैठक क्यों बुलाई गई है, किस लिए हो रही है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज चल रहे हैं। कोरोना के केस में लगातार कमी जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 305 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में 0.41% की संक्रमण दर पहुंच गई है, तो वहीं इस वायरस से 44 लोगों की मौत हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।